शुरुआत करेंगे बुलेटिन की पहली खबर के साथ। लखनऊ से खबर जहां पर नए ट्रैफिक नियम के विरोध में कांग्रेस पार्टी अब उतर आई है। कांग्रेस ने शहर भर में पोस्टर लगा दिए हैं। नए ट्रैफिक नियम के विरोध में कांग्रेस ने अब शहर भर में पोस्टर चिपका दिए हैं। शहर में लगाए गए अलग अलग जगह पर ये पोस्टर, और इसी के साथ ही देखिए बीजेपी मुख्यालय से लेकर सचिवालय तक ये पोस्टर लगाए गए हैं। बापू भवन और कई मार्गों पर ये पोस्टर लगे हुए हैं और नए ट्रैफिक नियम के विरोध में ये कांग्रेस पार्टी उतर कर आई है सामने, जहां पर पोस्टर के जरिए अपना विरोध जता रही है कांग्रेस। बीजेपी मुख्यालय से लेकर सचिवालय तक ये पोस्टर लगे हैं और बापू भवन और कई मार्गों पर ये पोस्टर चिपका गए। देखिए तस्वीरें उसी पोस्टर की, जहां पर इन पोस्टर के माध्यम से कांग्रेस कटाक्ष कर रही है। लखनऊ में कई जगह पर इस तरह के पोस्टर्स लगे हैं नए ट्रैफिक नियमों को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल पोस्टर्स के माध्यम से बीजेपी पर होता हुआ। बीजेपी मुख्यालय से लेकर सचिवालय तक ये पोस्टर लगे हैं। बापू भवन और कई मार्गों पर ये पोस्टर लगे, तस्वीरें देखिए उन्हीं पोस्टर्स की। देखिए गाड़ी के पीछे तक ये पोस्टर्स चिपकाए गए हैं और ये कांग्रेस का विरोध। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप जुड़ चुके इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अनूप, देखिए कांग्रेस अब नया पैंतरा आजमा रही है, पोस्टर के जरिए ट्रैफिक नियमों को लेकर अपना विरोध जताती हुई नजर आ रही है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से ट्रैफिक रूल को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है और जुर्माना जो राशि है वो काफी भारी भरकम जो है कर दी गई है, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से लगातार जो है विरोध दिखाई दे रहा है। आज कांग्रेस पार्टी की ओर से तमाम राजधानी के वीआईपी जो चौराहे हैं वो तमाम जगह जो है, खुद बीजेपी मुख्यालय की बात करें या बापू भवन की बात करें या जहाँ पे खुद मुख्यमंत्री बैठते हैं लोकभवन में, उसके बाहर जो है पंपलेट लगाए गए हैं विरोध स्वरूप में और विरोध दर्ज कराया गया है। उसमें ये बताया गया है कि जो सरकार है वो लोगों की जो है जेब ढीली कर रही है, पॉकेटमार सरकार है। इस तरह से विरोध प्रदर्शन लगातार जो है कांग्रेस का किया जा रहा है। हालांकि जब भारत समाचार ने जो इसको जैसे ही प्रमुखता से चलाया है तो बीजेपी मुख्यालय से तमाम जो कर्मचारी है वो बाहर आए, उन्होंने इस पोस्टर को हटाने का काम किया है। लेकिन जिस तरह से लगातार जो है कांग्रेस मुद्दे को लेकर के मुखर दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी हाल ही में जो है दो दिन पहले ही जो है बिजली में भी जो है वृद्धि की गई है, भारी वृद्धि की गई है तकरीबन 12% की, उसका भी विरोध जो है दर्ज कराया जा रहा है, तो तमाम तरीके से जो है विरोध भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अनूप, देखिए अलग अलग तरीके से विरोध जता रही है कांग्रेस, लेकिन अनूप ये भी कि कहां कहां पोस्टर लगे, जैसे कि आपने बताया सचिवालय के पास, बापू भवन के पास और कई जगह, क्योंकि हमने तस्वीरें देखी गाड़ी के पीछे भी लगाए गए हैं। देखिए बिल्कुल, कांग्रेस जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं और जगह जगह गाड़ियों में लगाया जा रहा है। जहां पे मुख्यमंत्री बैठते हैं लोकभवन की बात करें या विधानसभा की बात करें, वहां पे सड़कों पे पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। खुद बीजेपी का जो प्रदेश मुख्यालय है उसके ठीक बाहर जो गेट पे जो ये पोस्टर लगाए गए हैं, तमाम जो राजधानी के वीआईपी चौराहे हैं, सड़कें हैं, वहां पे ये पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। तो कांग्रेस जो है अपने तरीके से जो है विरोध दर्ज करा रही है, ट्रैफिक रूल में जिस तरह से बदलाव किया गया है, जो भारी भरकम राशि जो है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो देखिए नए ट्रैफिक नियम के विरोध में कांग्रेस का एक नया पैंतरा, ये पोस्टर लगाया गया है विरोध में, जो नया जुर्माना अब मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने से शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस का ये एक अलग तरीके का रोष है जो अपना प्रकट कर रही है। बीजेपी मुख्यालय पर भी इस तरह के तमाम पोस्टर लगाए गए हैं, शहर में कई जगह इस तरह के पोस्टर्स कांग्रेस की तरफ से लगाए गए और ट्रैफिक नियमों को काफी बड़ा बदलाव किया गया है और जिस तरह से जुर्माना राशि जो है वो काफी जो है बढ़ा दी गई है, उसके बाद से कांग्रेस की तरफ से जो है विरोध दर्ज कराया गया है, जगह जगह जो है पंपलेट लगाए गए हैं। मैं इस वक्त बीजेपी कार्यालय के ठीक बाहर हूं, आप देख सकते हैं कि ये बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है और यहां पर जो ठीक जो प्रदेश अध्यक्ष की जो है फोटो लगी है, इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो लगी है, साथ ही उसके ठीक नीचे आप देखिए कि ये जो पंपलेट है ये दिखाई दे रहा है, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया गया है, जिसमें जो ट्रैफिक रूल को लेके जो भारी भरकम जो राशि जो जुर्माना राशि लगाई गई है उसको लेके पंपलेट बनाया गया है। इसमें सीधे तौर पे योगी सरकार पर जो है निशाना साधा गया है और ये बताया गया है कि जो जुर्माना राशि है तमाम जो टैक्स के नाम पे जो है लोगों से जनता से जो है वसूली जा रही है सरकार में, जबकि जो सुविधाएं हैं वो मंत्री और अधिकारियों और विधायकों को मिल रही हैं। तो साफ है कि कांग्रेस ने जो इस तरह से पंपलेट्स थी बीजेपी दफ्तर में ही नहीं लगाए हैं, राजधानी के तमाम ऐसे वीआईपी एरिए हैं जहाँ पे इस तरह के पंपलेट जो है वो चर्चा का विषय बने हैं। कैमरा पर्सन गिरी साथ अनुप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से बड़ी खबर सामने आई है जहां पर एक युवक की हत्या कर दी गई। पूरा मामला क्या है ये आप इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। युवक की पीट पीट कर हत्या,
महज 180 रुपए के लिए ले ली जान। खाने के बिल को लेकर हुआ था विवाद। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। महज 180 रुपए के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल हाईवे किनारे बने सरदार ढाबे पर दो युवक खाना खाने पहुंचे थे, जहां 180 रुपए के बिल को लेकर ढाबा मालिक से दोनों का विवाद हो गया और कुछ ही पलों में ये विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। ढाबा मालिक ने कर्मचारियों के साथ मिलकर युवक को पीट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने ढाबा मालिक को हिरासत में ले लिया। सरदार ढाबा जो थाने से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर बनारस की तरफ नेशनल हाईवे नंबर 2 पर स्थित है, वहां खाना खाए। खाना खाने के बाद इनका जो बिल था वो 180 रुपए का था। इस 80 रुपए के बिल का जब इन्होंने होटल मालिक से पूछा कि इसमें बताओ कैसे मेरा 180 रुपए हो गया, और होटल मालिक ने बताने से इनकार किया। इसी बात को लेकर के इनका झगड़ा हो गया और इसमें मारपीट हो गई, जिसमें इनका जो ड्राइवर था उसकी मृत्यु हो गई और हमने जो होटल मालिक है उसको हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, साथ ही मामले में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई का दावा कर रही है। भारत समाचार के लिए भदोही से रमेश मौर्य की रिपोर्ट। वाराणसी में दिव्यांग की गोली मारकर हत्या का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, और लेकिन पूरा मामला क्या है ये रिपोर्ट देखिए। वाराणसी का छावनी इलाका, बदमाशों का बेखौफ अंदाज, फिल्मी स्टाइल में फायरिंग। वाराणसी का छावनी इलाका और तारीख 3 सितंबर, कानून की धज्जियां उड़ाती ऐसी तस्वीरें आपने पहले नहीं देखी होंगी, और सीसीटीवी में खौफ ज़दा कर देने वाली ताबड़तोड़ फायरिंग की ये तस्वीरें। चाय की दुकान पर दूध उबल रहा है और उधर से दो शख्स जल्दबाजी में दुकान के पास आते हैं। पहला शख्स नीचे से ऊपर तक झक सफेद पोशाक में काला हेलमेट लगाए हुए फिल्मी अंदाज में दुकान के पास आता है, और दुकान पर मौजूद लोग कुछ भी समझ पाते उससे पहले ही दोनों हाथों में पिस्तौल लहराकर दुकानदार पर वो ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है। उसके साथ एक और लाल शर्ट पहने शख्स भी दुकान के पास आता है और वो भी दुकानदार पर गोलियां बरसा देता है, दुकान पर खड़े लोगों पर फायरिंग करता है। अफरा तफरी के माहौल के बीच दुकान के आसपास भगदड़ मच जाती है। इस बीच एक गोली दुकान के पास खड़े एक शख्स को भी लगती है। दुकान के आसपास खड़े लोग भाग खड़े होते हैं, लेकिन बेखौफ बदमाश फिर भी दुकानदार पर गोलियां बरसाता रहता है। घटना 3 सितंबर की है, जहां चाय की दुकान चलाने वाले दिव्यांग दिलीप पटेल इसी फायरिंग में दम तोड़ देते हैं। अब बताया जा रहा है कि मामला जमीन विवाद का है, और जिस शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया है उसका नाम झुन्ना पंडित बताया जा रहा है। पुलिस की हिस्ट्री सीट में झुन्ना पंडित कोई नया नाम नहीं है, लेकिन कैंट जैसे इलाके में खुलेआम ऐसी वारदात को अंजाम देकर वो फरार हो जाता है। ये घटना यूपी की पुलिसिया व्यवस्था को मुंह चढ़ा रही है। अपराधी फरार हैं और पुलिस अभी तक लकीर पीट रही है। रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर, किशोरी के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई बुलंदशहर में। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां विरोध करने पर किशोरी के कपड़े भी फाड़े गए। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश, पीड़ित लड़की ने पुलिस को तहरीर भी दी है। गुलाबरी कोतवाली क्षेत्र में ये वारदात हुई, किशोरी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई बुलंदशहर में, और जब किशोरी ने विरोध किया तो उसके कपड़े फाड़े गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मनोज, देखिए, किशोरी के साथ दुष्कर्म की कोशिश, अब पीड़ित ने तहरीर भी दी है, पुलिस को क्या कुछ कहा है अपनी तहरीर में इस युवती ने? देखिए,
जी बता दें शिवांगी, ये मामला बुलंदशहर के गुलाबटी का है, जहाँ एक किशोरी घर से सामान लेने के लिए गई थी, तो वही एक दुकान में उसको खींचने की, उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई और उसके कपड़े फाड़े गए, जिसे परिजनों ने थाने में जाकर के तहरीर दी है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस के हाथ नहीं आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारियों के लिए आपका। लखनऊ से खबर, जहाँ लखनऊ मेट्रो रेल के 2 साल पूरे हो चुके हैं, 2 साल पूरे होने पर कार्यक्रम भी आयोजित किया गया लखनऊ मेट्रो के। इसी के साथ आपको बता दें 2 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने शिरकत भी की है और 2 साल पूरे हो चुके हैं लखनऊ मेट्रो को लेकर मेट्रो दिवस में गो स्मार्ट कार्ड की भी लॉन्चिंग की गई। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने इस लॉन्चिंग को किया है और इसी के साथ आपको बता दें 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। लखनऊ से एक और खबर, जहां पर बीएसपी नेताओं की बैठक शुरू हो चुकी है, मायावती की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, बीएसपी नेताओं की बैठक जिसमें मायावती इस बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। मायावती की बैठक में अध्यक्षता शुरू हो चुकी है, 13 सीटों पर उपचुनाव को लेकर मीटिंग। नेताओं की बैठक बुलाई है मायावती ने और मायावती इस बैठक की अध्यक्षता कर रही है। 13 उपचुनाव सीटों पर जो होने वाले हैं उनको लेकर ये बैठक खासा महत्वपूर्ण है, उसी को लेकर ये मीटिंग की जा रही है। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज पार्टी के तमाम पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है, इस वक्त उनके कार्यालय पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि माल एवेन्यू स्थित कार्यालय पे मायावती खुद मौजूद हैं, पहुंच चुकी हैं और तमाम जो बसपा के पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, मौजूदा विधायक और मौजूदा सांसद के अलावा पार्टी के जो पदाधिकारी हैं और सामान्य पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है। इस वक्त मायावती जो है वो बैठक ले रही हैं पार्टी के पदाधिकारियों के साथ और उपचुनाव को लेकर ये बैठक बताई जा रही है कि ये बैठक जो हो रही है ये उपचुनाव को लेकर है, जो अभी होने वाले उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हैं विधानसभा के, उनको लेकर मायावती की ये महत्वपूर्ण बैठक है। क्योंकि जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे तो उस वक्त मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था और उनको 10 सीटें हासिल हुई थी, हालाँकि बाद में ये गठबंधन टूट गया और मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस बार उन्होंने पार्टी के प्रत्याशियों को भी घोषित करना शुरू कर दिया है और लगभग सभी प्रत्याशी घोषित भी कर दिए हैं। उपचुनाव की तैयारियों सहित तमाम मुद्दों को लेकर मायावती पार्टी कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दे रही हैं, पदाधिकारियों को निर्देशित कर रही हैं कि किस तरह से आने वाले चुनाव में इस बार मेहनत करना है, किस तरह से चुनाव को जीतना है और बसपा को किस तरह से आगे बढ़ाना है, प्रदेश में मजबूत करना है। इन सभी बातों को लेकर आज मायावती पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर रही हैं। पार्टी के बड़े पदाधिकारी सतीश चंद मिश्रा जैसे, उसके अलावा मुनकाद अली, इन लोगों को भी पार्टी की बैठक में बुलाया गया है और आज इस बात का दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरह से उपचुनाव की तैयारी करनी है और 2022 के चुनावों को किस तरह से लड़ना है। कैमरामैन दुर्गेश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। विधानसभा प्रभारी अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को बड़ा झटका लगा है। आईएनएक्स मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम को करारा झटका दिया। आपको बता दें कि चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया है। आईएनएक्स मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार किया, उनकी याचिका को खारिज किया है। चिदंबरम की अग्रिम जमानत की जो याचिका थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, यानी कि ईडी मामले में चिदंबरम को कोर्ट के सामने जो पेश किया गया था उस पर जो याचिका थी उसको खारिज किया गया है। किसी भी समय चिदंबरम की अब गिरफ्तारी तय हो सकती है, लेकिन ये बड़ा प्रश्न कि आखिरकार चिदंबरम को कितने दिन के रिमांड के लिए ईडी में भेजा जाएगा। सीतापुर से खबर, जहां युवक की निर्मम हत्या से सनसनी फैली है, युवक की धारदार हथियार से हत्या की गई है। सीतापुर से खबर, जहां युवक की निर्मम हत्या से पूरे इलाके में सनसनी, धारदार हथियार से युवक की हत्या करी गई है।
आरोपी ने पुलिस को सरेंडर किया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से जहां पर एलपीजी टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया है। टैंकर पलटने से इलाके में हड़कंप भी मचा। एलपीजी टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा, बैक करते समय ये पलटा। एक और बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां पति ने पत्नी पर फेंका एसिड। बुलंदशहर की घटना जहां पति ने अपने भाइयों के साथ मिलकर अपनी पत्नी पर ही एसिड अटैक किया है, दहेज की मांग कर रहा था। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन आगे देखिए हमारा खास शो कटिंग चाय।